से मिलने गई थी, 11 जून को इनकी हत्या की गई है दिशा के बाद। दिशा की जब हत्या होती है, सुशांत को पता चल जाता है कि दिशा की हत्या हुई है, इन्होंने सुशांत से कॉन्टेक्ट किया था कि सर जो भी हो रहा है बहुत बुरा है, दिशा दीदी की हत्या हो गई है और ये बहुत इनकी सूचना दी है, उनको सिक्योर किया जाए पहले, तब फिर मैं कोशिश करूंगा इनकी सूचना दूँ। उसके बाद 13 जून की बात करते हैं, तो 13 जून को हमें जो बताया जा रहा है वो 14 जून सुशांत की हत्या, हालांकि 14 को नहीं हुई है, 13 को हुई है। हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि सुशांत और आनंदी ये दोनों एक जगह ही मौजूद थे जब इनकी हत्या हुई। आनंदी सुशांत से मिलने गई थी ये सब चीज़ों को लेकर, सभी हत्याओं को लेकर उनसे डिस्कस करने को कि सर हम जो करने वाले थे, हम जो एक्सपोज करने वाले थे लोगों को, लोग हमें मारते चले जा रहे हैं, हमारी संख्या कम होते चले जा रही है, अब हमें क्या करना होगा, इस पर बात करने के लिए वो दोनों एक जगह इकट्ठा हुए थे। इसके साथ एक और लड़की थी जो नेपाल की वीरगंज की है, जिनका नाम माया बताया जाता है, वो छोटी लड़की है 15 साल की। उसका फोटो मैं नहीं दे सकता क्योंकि जहाँ से मुझे पता चला है और ये उनकी तरफ से उनका फोटो डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है, लेकिन ये तीन हत्या हुई है 13 तारीख की रात में। 13 तारीख की रात में 9 लोग आए थे और इन तीनों को उन्होंने ब्रूटली मारा है। और आनंदी धवन भी आज हमारे बीच नहीं है, कहा भले ही जा रहा है कि वो हमारे बीच है नहीं, जाने दोनों की हत्या एक ही दिन होने की, तीनों की हत्या एक वीरगंज की एक लड़की है छोटी बच्ची 15 साल की, जो एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी, मैं उस एनजीओ का नाम नहीं लूंगा, एनजीओ से जुड़ी हुई थी और वो वहां पे रह रही थी। नेपाल थोड़ा दूर होने के कारण मुंबई में रहना, और उनका अपना कोई फैमिली वैसा नहीं था जिसके कारण वो सुशांत उनको देख रहे थे, उनका पूरा लालन पोषण जो है वो सुशांत कर रहे थे। तो ये तीनों की हत्या हुई है और तीनों निकाले गए हैं उस दिन घर से, भले ही हमें एक दिख रहे हैं कि 14 को सुशांत निकाले गए। ये सभी SSR टीम के पार्ट थे। इसके बाद मैं